वन ऑफ द बिगेस्ट ईयरली सेल 11/11 दराज की तरफ से इस बार हुई फ्लॉप। देखेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स और वजह जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दराज को क्या हुआ जो कि उनकी इतनी बड़ी ईयरली सेल 11/11 फ्लॉप हो गई इतनी मार्केटिंग के बावजूद। लेट्स बिगिन। सो ऑलराइट गाइस, यार आज है 14 नवंबर और 11/11 का जो क्रेज़ था हर साल की तरह इस बार भी दराज ने अपनी पूरी कोशिश करी मार्केटिंग के थ्रू अपनी कैंपेन्स वगैरह चला के कि 11/11 को इस बार सक्सेसफुल बनाया जाए हर बार की तरह। लेकिन इस बार 11/11 हो चुकी है बिल्कुल फ्लॉप। अब आप भी अगर शॉपिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं या करते हैं तो आपने भी इस बार नोट करा होगा कि इस बार वो हलचल नहीं है जैसे लास्ट ईयर थी। इस साल असल में हुआ ये कि दराज की तरफ से तो खैर कोई ऐसी कसर नहीं रही। दराज हर बार की तरह अपनी कैंपेन्स रन कर रहा था, इस बार की भी काफ़ी सारी उन्होंने अपनी कैंपेन्स रन करी लेकिन इस बार कुछ नहीं हो पाया। तो अब आते हैं ज़रा इसके बिहाइंड द सीन ताकि पता लगे कि फ्लॉप हुई क्यों। तो यार मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एज़ अ नॉर्मल बायर भी हूँ और दराज के ऊपर एक सुपर सेलर भी हूँ और काफ़ी सारे इवेंट्स इनके हुए जिनको मैंने अटेंड करा है और उसी की बेस पर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यार हुआ ये कि इस बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उठ के दराज पे आ चुके हैं और अपने अकाउंट्स बना के सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं जिनकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई है। एक वजह ये, दूसरी वजह ये इन्फ्लेशन, ये दो वजूहत हैं अभी तक जिसकी वजह से मे बी कि ये जो हमारी कैंपेन्स चलाई दराज ने उसका असर नहीं हुआ इन दोनों चीज़ों की वजह से। तो बहरहाल इस बार तो खैर ये फ्लॉप हो गए। और अगर आगे की पेशन गोई की बात करूं, अगर इन्फ्लेशन रही तो मुश्किल ये कि आगे भी आने वाली कैंपेन्स इनकी सक्सेसफुल हो सके। बहरहाल देखते हैं, नॉर्मल बायर्स जो हैं वो बिल्कुल पीछे हट गए ख़ास तौर पे इन्फ्लेशन की वजह से। मैंने खुद इस बार कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं ख़रीदी इवन सेल लगने के बावजूद भी क्योंकि लोग असल में बताऊँ कर क्या रहते हैं, कर ये रहते कि 1200 की नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं नॉर्मल डेज में। अब जैसी कैंपेन आई उन्होंने क्या करा, कैंपेन के अंदर कम करनी पड़ती है, प्राइस 1200 है तो उसको 800 करनी पड़ती है। अब इन्होंने क्या करा कि पहले प्राइस को बढ़ा दिया देन उसके बाद कम कर दिया उसके अंदर इन्होंने। के लिए मिसाल अगर 1200 की चीज़ बिक रही थी उसको ले गए 1800 पे, उसके बाद फिर कैंपेन ज्वाइन करी और वहाँ पे 1800 को 1200 पे ले आए तो अब जो कस्टमर था मेरे जैसा आप जैसा वो तो बेचारा यूँ देख रहा है कि ये साला मजाक हुआ है हमारे साथ, पैसा बढ़ा के कम कर दिया और बोल रहे हैं कैंपेन चला दी हमने। तो ये वजूहत हैं। बहरहाल ऐसी अपडेट्स वगैरह जो भी होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, फी अमान अल्लाह।